मथुरा महावन क्षेत्र में बेसहारा गोवंश जानलेवा होते जा रहे हैं। बेसहारा गोवंश से निजात पाने के लिए किसान आज तहसील पर आए और अपनी पीड़ा अधिकारियों को सुनाई। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भले ही बेसहारा गोवंश को आश्रय देने के लिए अस्थायी गौशाला निर्माण करने के जिला प्रशासन को भले ही निर्देश दिए, लेकिन आज भी हजारों की संख्या में बेसहारा गोवंश किसानों के लिए सरदर्द बना हुआ है और बेसहारा गोवंश किसानों पर हमला कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है तहसील महावन के रायपुर गांव का, जहां रायपुर के रहने वाले किसान अपनी फरियाद लेकर तहसील महावन पर आए। तहसील आई किसान रघुनाथ सिंह और निरोत्तम सिंह आवारा गाय और सालों से परेशान है, हमारी फसल नष्ट कर रहे हैं। जब भी हम इन्हें खेत से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं तो हम पर जानलेवा हमला कर देते हैं। तब से योगी सरकार आई है तब से किसान बहुत परेशान है, आवारा पशुओं से रात रात भर रखाते हैं, रखाने पर जब अधिकारी के पास हम आते हैं, पिछले हफ्तों से परेशान हूँ मैं, डीएम साहब से मिला, डीएम साहब से कोई नहीं, एसडीएम साहब से लिख दिया, एसडीएम साहब से मिला हूँ मैं तो उन्होंने बोला सीवीएम साहब से मिलो। ये जनता अधिकारियों से मिलते रहेगी कि आप कुछ काम करोगे, कुछ काम करने के लिए जनता परेशान, अधिकारी कुछ काम करते नहीं है, जनता बेहद परेशान, जनता को परेशान करने के सिवाय कुछ काम नहीं इनके पास में। जनता इनके पास आती है तो बोले इसके पास जाइए, उसके पास जाइए, हवाले इनको पैसे दे दो तो तुरंत काम होगा, हवाले इनके पास में कोई, जब तक जनता को हमें अगर नहीं होता तो हमें जाम लगाएंगे और धरने पे बैठ के अगर ऐसा अगर आगे अगर कोई काम नहीं होता है तो हमारी जनता की सुनवाई नहीं होती है तो।